गाइज वेलकम टू आर न्यू यूट्यूब वीडियो एंड आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हो गए, हेल्दी हो गए। आज के व्लॉग की स्टार्ट करते हैं मुझसे, मैं व्लॉग स्टार्ट करूँगी। कई दिन हो गए हमने व्लॉग नहीं डाला, आप लोगों की बहुत वो आ रहे थे कमेंट की क्यों नहीं डाल रहे हो, कहाँ खो गए हो, व्लॉग डालो। तो आज डालेंगे हम होली का शॉपिंग व्लॉग, होली का शॉपिंग व्लॉग, ठीक है। दिन गया कॉलेज, वो तो अभी नहीं आने वाले, वैसे वो आज जल्दी आएंगे। और थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है आज, तो प्लीज़ जितना बनेगा मैं उतना बनाऊंगी व्लॉग। और परसों मुझे गाइस बहुत तेज फीवर हुआ था, जिस वजह से मुझे मेरा ब्लड प्रेशर डाउन हुआ और आज फिर वही दिक्कत आ रही है मुझे। बट अभी घर में कोई नहीं है तो थोड़ा बहुत मुझे काम करना है। वैसे तो आंटी आएंगी बट फिर भी थोड़ा बहुत मुझे अपना कमरा वमरा तो ठीक करना है ही। उसके बाद मैं सोच रही हूँ नहा लेती हूँ, थोड़ा शायद मैं बेटर फील करूँगी। तो चलते हैं, सारे काम करते हैं, आपको दिखाते हैं। गाइस ये देखो नितिन मेरे लिए कल क्या लेकर आए थे, बलून्स। ऐसे गाइस कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन अपनी वाइफ को हमेशा छोटे बच्चे की तरह रखना चाहिए, ऐसे वो हैप्पी रहती है। मैं यहाँ पे आ गई थी मशीन में कपड़े लगाने, यहाँ मैंने अपना ब्लैंकेट लगा दिया है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि प्लीज़ हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑटोमेटिक मशीन दिलाइए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट होती है। ये धोएगी, निचोड़ेगी कपड़े, सुखाएगी और आपको दे देगी, आपको सिर्फ धूप में डालने होते हैं। अब जैसे मैंने यहाँ पर टाइमर लगा दिया है, मतलब मशीन में मैंने यहाँ पर डाला सर्फ, मैंने यहाँ पर सर्फ डाला था, वो सर्फ सारा मशीन ने ले लिया है। और यहाँ से स्टार्ट करने के बाद कॉटन प्लस पे करके और ये टाइम शो हो गया है और मैंने इसको ऑन कर दिया। तो अभी ऑन है मशीन, मशीन पानी ले रही है और ये देखो मेरा ब्लैंकेट कैसे घूम 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 करके साफ हो रहा है। गाइस मुझे ना अपनी सिकाई करनी होती है पैर की, वो देखो बादल का बैठा है। तो मेरा गांव से जो तेल आ रखा है पैर के लिए, मुझे इसकी सिकाई करनी होती है धूप में बैठ कर। तो सोच रही हूँ ऊपर ना ही जाऊँ और धूप में वैसे भी दिक्कत ही होगी मेरे को, तो यहाँ पर थोड़ी सी धूप आ रही है। तो मेरा दिमाग क्या लगाया आपको दिखाती हूँ, बैठूंगी सिर्फ पैर पैर यहाँ रखूंगी और सिकाई करूंगी आराम से, क्योंकि मैं ऊपर जाऊं बादल भी बैठेगा धूप में, है ना बादल, कैसे सुन रहा है। डुडू आ गया, डुडू डुडू आ जा, चलो 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 जल्दी जल्दी आ, इसे पता है मेरा पागल बना रही कहीं नहीं जाएगी। तो गाइस जिन जिनको ये लगता है एक बात और कि मेरी आईडी जो है इंस्टाग्राम ने रिमूव करी है, सस्पेंड करी है, ऐसा नहीं है। मेरी आईडी जो है किसी ने उड़वाई है, एक दो रिपोर्ट से किसी की आईडी नहीं उड़ती है। मेरी आईडी पे किसी ने मल्टीपल रिपोर्ट डलवाई हैं और बहुत हाई लेवल की रिपोर्ट्स करवाई हैं, जिससे जाके मेरा अकाउंट जो है सस्पेंड हुआ और अभी तक वापस नहीं आया है। कोशिश में है, अभी भी काफ़ी फॉर्म्स फिल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं कि आ जाए, पर नहीं, अभी कोई रिस्पॉन्स आगे से नहीं आ रहा है इंस्टाग्राम की साइड से। तो अब क्या कर सकते हैं, जिसको कोई गाली दे तो उससे लड़े, कोई मुंह पे कुछ आके बोले तो उससे कुछ कहें। अब जो पीठ पीछे जल रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं या करवा रहे हैं, उनका फिर हम कुछ नहीं कर सकते, उनका भगवान ही कुछ करेगा। और प्लीज़ एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि दूसरे को आगे बढ़ता देख कर जलो मत और खुद मेहनत करो, खुद आगे बढ़ो। अगर आप लोग भी शायद इतना आपने पैसा मेरी आईडी उड़वाने में लगवाया है या जितनी मेहनत आपने मेरी आईडी उड़ाने में करी है, उतनी मेहनत अगर आप अपनी आईडी बनाने में और वीडियो बनाने में करते तो शायद आप आज मेरे से आगे होते। मुझे नहीं पता कि किसने किया है, पर जिसने भी किया है वो मुझे जानता तो होगा ही ना, कुछ दिक्कत तो मुझसे हो गई तभी तो किया है। तो प्लीज़ यार थोड़ी शर्म करो, डूब मरो, समझ आई। गाइस मैं आ गई हूँ नहा कर, रेडी होगी और मैंने अपना ये वाला कॉट सेट पहन लिया है। ये मैंने लास्ट पहना था राजस्थान जब मैं गई थी खाटू श्याम जी मंदिर, वहाँ मैंने ये कॉट सेट वेयर किया था। उसके बाद मैंने ये अब पहना है और मैं चाहती हूँ बस कि मैं इतनी पतली हो जाऊँ कि मुझे अपने सारे कपड़े जो हैं ऑल्टर कराने पड़े, फिटिंग उनकी करानी पड़े और ना धो के एकदम होगी टिंच मिंच। अभी थोड़ी देर बैठती हूँ क्योंकि यार मेरे पैर से मैं खड़ी हूँ कई देर से और मैंने सिकाई वगैरह भी करी थी, तो अब बैठ जाते हैं और वेट करते हैं क्योंकि घर में अभी हम अकेले हैं। देखते हैं कौन आता है, कौन नहीं, हमको डॉक्टर के पास भी जाना है तो या तो मैं अकेले जाऊँगी या फिर देखती हूँ नीचे भैया को बोलती हूँ वो लेके जाएंगे या फिर कोई और लेके जाएगा। मुझे आज तक किसी चीज़ का घमंड नहीं हुआ बट एक घमंड मुझे है अपनी आई लैशेज़ का। ये देखो
गाइज ये मेरी रियल आई लैशेज हैं, रियल। लोग पैसे दे के इतनी बड़ी बड़ी लगवाते हैं और मेरी नेचुरल रियल है। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी प्यारी आई लैशेज दी। थोड़े से नेल्स भी दे देते तो मुझे नकली ना लगवाने पड़ते। नकली नेल्स याद आया गाइज, नितिन को मेरी आज बहुत शॉपिंग करानी पड़ेगी गाइज, क्योंकि मैं देखो बहुत दिन हो गया और तीज त्योहारों पे तो लड़कियों को शॉपिंग करवानी ही चाहिए। इन आदमी की ऐसे बरकत होती है अगर वो अपनी वाइफ को शॉपिंग कराता है तो, चाहे छोटी मोटी कराओ। मैं मजाक नहीं कर रही, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि तुम उसको 4,000 का सूट दिला दो, 5,000 के नेल्स लगवा दो, ऐसा नहीं। बस वो खुश होनी चाहिए, कुछ छोटा मोटा दिला सकते हो, कुर्ती दिला दो, सूट नहीं दिलाना। तो सो गाइस मैं कर रही हूँ पोहे की तैयारी। ये मैं थोड़ा सा पोहा बना रही हूँ, अपने घर पे कोई है नहीं और मेरा कुछ बन भी नहीं है बनाने का, तो थोड़ा सा अयो। तो गाइस थोड़ी सी डालेंगे इसमें हम हींग, और उसके बाद डालेंगे थोड़ा सा घी, जीरा, ठीक है। सब कुछ पर जल हो गया आपको दिखाने के चक्कर में। गाइस एक मैं प्याज डाला हूँ, मैंने गाइस प्याज और डाल दिए और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है, और अब इसको अच्छे से ब्राउन ब्राउन कर लेंगे। और पोहा मैंने गाइस यहाँ धो के रखा है, थोड़ा खिला खिला भी हो गया है ये देखो। और मैं ये बना रही हूँ सरसों के तेल में, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है सरसों का तेल, और हमारा तो वैसे भी आता भी गाँव से है, तो गाँव की चीज हमेशा अच्छी होती है। इसके बाद मैं डाल दूँ मुझे नॉर्मल टमाटर होते हैं, और एक चीज़ जो मैं ज़्यादा डालूँगी वो है शेज़वान चटनी, क्योंकि मुझे स्पाइसी ज़्यादा चाहिए। ऑलरेडी वैसे इसमें 2 हरी मिर्च है पर अपने को चाहिए और। गाइस ये बन जाएगा, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। सिंपल, अब कुछ नहीं करना, इसमें टमाटर डाल दूँगी और अच्छे से कुक करके पोहा डाल दूँगी, हल्दी मसाला डाल दूँगी। बाय बाय गाइस, अपना पोहा बन के हो गया रेडी। थोड़ा सा मैं इसे क्रिस्पी कर दूँ ताकि खाने में ये और ज़्यादा ही अच्छा लगे। इसके साथ मैं ले लूँगी अपना सीप और बस भर जाएगा मेरा पेट, क्योंकि घर पे और तो कोई है नहीं। पापा मम्मी तो गए, मैंने आपको बताया था, तो फटाफट इसे खाते हैं और नितिन के आने का वेट करते हैं। सो गाइस पोहा मेरा रेडी हो गया है, अब मैं अपना पोहा खा लूँगी, सीप पी लूँगी और उसके बाद करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि पता नहीं अभी तक आंटी भी नहीं आई है। और मेरा हो गया बस इतनी मेरे में हिम्मत थी, क्योंकि आज मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही है, क्योंकि मेरे को 2 दिन कंटिन्यू 2 दिन से बुखार चढ़ रहा है बहुत तेज। सो गाइस मैं नितिन को ले आया हूँ यहाँ मार्केट में अपने नेल्स कराने के लिए, तो गाइस क्या है अपना काम कराने के लिए, तो मेरे को तो बात खोल आने वाले हैं, मेरे को तो बात करने दे, मेरे 30 होने वाले हैं, तो मुझे यहाँ से फ्लावर्स भी दिला देगा। बिल्कुल दिला देंगे, लोग बाग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो भाई लोग, हम रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं कुछ चीज़ों की वजह से, मैं कैसे बताऊँ, पर हम जल्दी ही रेगुलर हो जाएंगे। जस्ट डू इट, आई एम वड़ा पाव खाने, और क्योंकि यहाँ का फेमस वड़ा पाव है, और आज थोड़े को शॉपिंग करेंगे, ना बताया मैं अभी ईस्ट पटेल नगर में बस। हाँ भाई वड़ा पाव चल रहा तुम्हारा, मेरे को बहुत ज्यादा तेज बोल थोड़ा, कल से मेरे को बहुत ज्यादा खाने की लग रही थी, बहुत ज्यादा खाने की लग रही थी, तो भाई इतनी कह रही थी आप इसने खाया बहुत टेस्टी है, तो चल हम भी ट्राई करते हैं। यहाँ पे नेल्स के साइड में फेमस वड़ा पाव, मीठी चटनी नहीं है ये, विश नहीं होती, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बढ़िया से, फिर आपके साथ रेगुलर रहेंगे, अब दोबारा से जुड़ते हैं, दोबारा व्लॉगिंग करते हैं स्टार्ट और अच्छे से। एक नंबर पर बाल चीज है भाई, बाल थैंक यू भैया, इन दोनों ने थैंक यू, आपको भूल जाती हूँ मैं। मेरे को लेने तो आ गए बट ये मेरे को शॉपिंग नहीं करा रहे, क्योंकि इनको लाइव आना है, तो ये मेरे को शॉपिंग नहीं कराना चाहते आज, सिर्फ मेरे नेल्स नेल्स कराए, और ये देखो मेरे नेल्स नाइस, सिर्फ नेल्स नेल्स, और वड़ा पाव खिलाया, और बाकी की शॉपिंग कल होगी, और रास्ते पर से गोलगप्पे खिलाओगे देखते हैं, चलो जाम में फ्राइडे मार्केट है, बहुत जाम मिलता है यार, यहां देख लेना एक बार दिखा दे, ये देखो कितना ट्रैफिक है, चलो घर तो पहुंचा दो। तो गाइस फाइनली अब आ गए यहाँ पे गोलगप्पे खाने की, जो कि इसके बहुत ज्यादा फेवरेट हैं। अभी जिम जा रही है पर गोलगप्पे छोड़ नहीं रही है, क्यों? एक महीना होगा, 20 दिन हो गए, 20 दिन को तो एक महीना बता रही है, हैं? चुप रहो झूठे,
तो जिम से पहले 3 दिन हो जिम जाते हुए? जवाब नहीं क्यों? ओ तेरी भाई साहब। चलो कोई ना, मैं भी खा लूँगा एक एक हाथ, इसी लगे इसी बात कोई मैं नहीं खा सकता। चलो चलो, तो मैं तो कुछ भी खा सकता हूँ। ये गोलगप्पे बहुत अच्छे हैं, बहुत फेमस है, इसको बहुत अच्छे लगते हैं। शादी के बाद इसको एक बार लाया था यहाँ पे, जब से कभी भी गोलगप्पे का नाम लो तो सबसे पहले यहाँ गोलगप्पा खा खा के गोलगप्पे जैसे बन गई, गोलगप्पा खा खा के गोलगप्पे जैसे बन गई है, क्यूट सी। सो गाइस, मैं आ गई हूँ घर पे और मैंने नितिन के लिए कुछ मंगाया था। ऐसा कुछ गिफ्ट नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज है गाइस। नितिन एक छोटे बच्चे है। सही है भाई, अपनी ये चीज भी आनी चाहिए। आप भी शादी करो, आप भी मंगवाओ। तो तो मैंने मंगाया है, तो आपने मंगाया क्या ही बोलते हो। सो गाइस, मैंने नितिन के लिए ऑर्डर किया था, बताओ क्या है। अभी तक आपको समझ नहीं आ रहा, मैं बताती हूँ। गाइस, ये है नितिन के लिए एक लंच, लंच बॉक्स मंगाया मैंने नितिन के लिए, क्योंकि इनकी ना जो पहले वाले थे ना उसमें से ना लीकेज होती थी और इनकी नोटबुक या लैब कोट का डर था। और जिनको नहीं पता उन्हें बता दूं, नितिन जो है के आर मंगलम यूनिवर्सिटी में है। कितने मंथ रहते हैं आपके? एक दो महीने इनके रहते हैं। इनका 4 साल का कोर्स था बी फार्मेसी का, बी फार्मा बोल रही थी। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया है, तो अगर आपको भी अपने हस्बैंड के लिए मंगाना हो तो आप मंगा सकते हो। बस की चेन तो चेक कर लूँ। ओह माय गॉड, सही है। और गाइज, इसके अंदर देखो कितना क्यूट है। ये 3 डिपार्टमेंट है इसमें। आप, मैं नितिन को दूंगी कुछ खीरे वगैरह, सैलेड वगैरह, और इसमें सब्जी, और इसमें रोटी, और इनके साथ है 2, 1 फोर्क 1 स्पून। कैसे लगा आपको मेरा गिफ्ट? बहुत अच्छा लगा। ये मैंने नितिन के पैसों से ही नितिन को गिफ्ट दिया है। मेरे पैसे, हम दोनों के पैसे। ये देखिए गाइस, नाइस है ना, अच्छा था नितिन? बोलो अच्छा है, बोलो ना। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छा। तो गाइस, क्वालिटी इसकी वैसे अच्छी है, कंपनी बता देती हूँ आपको, आप मंगा लेना। ये देखो, सेलो माइक्रो फ्रेश स्टील करके कुछ है, मंगा लेना, मंगाना हो तो। कोई प्रमोशन नहीं है ये। सो गाइस, आज अभी मैं जिम नहीं जा पाई, क्योंकि ऑन द स्पॉट कल्पना दी ने बताया कि वो नहीं आ रही हैं, तो मेरे को थोड़ा जिम कैंसिल करना पड़ा। और वैसे भी मंडे से मैं रेगुलर कर लूँगी, मेरी तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं थी। तो टाइम हो रहा है 11 और खाना थोड़ा हो गया है लेट, तो रसोई में मम्मी पापा की थोड़ी सी ना खटपट चल रही है। मैं आपको दिखाती हूँ क्या चल रहा है। चलो पापा, मैं स्पेशली फ़ोन लेके आई हूँ मम्मी का वो डायलॉग दोबारा सुनने के लिए जो मेरे रसोई में खड़े होकर मार रही थी। क्या था मम्मी वो डायलॉग? बोल दे एक बार दोबारा, क्या हो गया? बोल ना, बोल। जिस स्कूल में मैं पढ़ता था उस स्कूल में टीचर थी। तू के समझ रहा है मने? मम्मी ने पूरे बढ़िया तरीके से बोला था, उस टाइम में उस कैमरा नहीं था। यहाँ पे कैमरा लगवा दिया करो। हाँ, मम्मी की फिर वो जो रियल हुआ ना, मम्मी की भाषा वो निकली कैमरे में। ये आदमी बैठा हुआ बीच में खाना खाने के लिए। ये तीसरा भाई है, ये नितिन के बाद जो तीसरा नंबर है वो यही है उसका।